स्वागत है आपका शैडो किंग चैनल पे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस करना। सो गाइस, आज हम फार्म बनाने वाले हैं। फार्म तो क्या है, मतलब पैन कह लो। आज हम शिप और काव फार्म बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले वुड चाहिए होगा, तो थोड़ी वुड इकट्ठी कर लेते हम लोग फटाफट से। मुझे एक्स बना लेना चाहिए था। एक काम करता हूँ, पहले एक्स बना के आता हूँ घर से। कुछ थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें खेली है और कुछ इकट्ठे करने की कोशिश करी है। खाना वाना थोड़ी बहुत चीज़ें इकट्ठे करी है मैंने। कुछ वुड पड़ा है मेरे पास। तो थोड़ा कोबलस्टोन होना चाहिए मेरे पास। कोबलस्टोन नहीं है, है तो सही। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। थोड़े वुड इकट्ठी करते हैं फटाफट से और फिर फार्म बनाते हैं। और गाइस आप लोग बताना कैसी लग रही मेरी वीडियो, या फिर कुछ मुझे अलग करना चाहिए इसमें, सजेशन जरूर देना। बिकॉज मैंने अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है तो थोड़ी तो सजेशन चाहिए ही होती है। हाँ, मैं पबजी की गेम प्लेस भी डाल सकता हूँ। हाँ, इतना पीरो नहीं हूँ मैं पबजी में, लेकिन उसके गेम प्लेस डाल सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताना गाइस, कोशिश करूँगा उसकी वीडियो डालने के लिए। तो फटाफट से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तू भी आ जा। कम से कम एक स्टैक तो चाहिए होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। ओ भाई, ओ मैं, मेरे पास हड्डियाँ नहीं है। दैट लाइफ इनका मैं स्टिक नहीं यूज कर सकता हूँ। और हो सकेगा तो अगले एपिसोड में मैं थोड़ा अच्छा घर बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ ज़्यादा ही छोटा घर है वहाँ। हाँ, अभी के लिए तो जैसा भी है चल रहा है। थोड़ा कोशिश करूँगा उसको एक्सपेंड करने के लिए, या फिर उसको अच्छे से, या फिर कोई अच्छी जगह ढूंढ के अच्छी जगह घर बनाऊँगा नया और अच्छा एकदम। तेरी जरूरत है मुझे, पता है? ओ भाई, पटेल लगता है मेरा तो हम जीत गए हैं। किससे तोड़ रहा हूँ? लॉल, पिकैक्स से तोड़ रहा था। लगता शायद मैं कुछ दिनों में एक नया मतलब नई सीरीज चालू करने वाला हूँ। अगर हो सकेगा तो जल्दी चालू कर दूँगा, उसमें तो बड़ा मज़ा आने वाला है। स्काई ब्लॉक खेलेंगे हम, उसमें कोशिश करूँगा 1 ब्लॉक स्काई ब्लॉक खेलने की, अगर मुझे उसकी लिंक मिल जाती है कहीं से। बस थोड़ी सी और लकड़ियाँ चाहिए, लगभग 47 वाली हैं, हो जानी चाहिए इसमें 64 के हो जाने की। हाँ, ये आखिरी पे खाना दूर
भागो ये भाग मेरे का भाग। ओ भाई क्रीपर, क्रीपर नहीं चाहिए था मुझे आपको। ये भाई जाने तो मुझे जाने दो। सोने भी नहीं देगा आदमी, इसको कैसे मारूं? एक ही तरीका है। ओ भाई यहाँ पर क्रीपर ना आ जाए मुंह पे। ये तो नहीं कर दूँ क्रीपर को, देखता हूँ। आ जा क्रीपर, क्रीपर आ जा। नहीं 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 फटना नहीं। सॉरी फॉर द इनविटेशन। अच्छा राजा भाई, मैं तो फेरो भी नहीं है, मैं तो कुछ मार देता तो ये कितना देता। ओ भाई ओ भाई, दो दो तो गैंग अप करो तुम मेरे साथ। तू भी राजा मार ले, तू भी मार ले, तेरी इसको नहीं कर। मैं फटाफट बाद में बताता हूँ पहले। नहीं ये तेरा गया। हट जा भाई हट जा, सोने दो मुझे। सो जा, बच गया। चलो काम चालू करते हैं। अरे यार ये फिर बच जाएंगे बारिश आके। तो चलिए शुरू, मतलब बनाना शुरू करते हैं हम लोग फार्म को। फिर लाएंगे काउ साउ सब, बर्ड फ्लू की तरह। और पैर से बनेगी लकड़ियाँ और कहाँ गए फैंस, कहाँ गए मेरी फैंस? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बहुत सही चाहिए था। दो फैंस प्लेट बना लेता हूँ, दो के लिए दो फैंस प्लेट। कमी क्या पड़ रही है और बना सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। चलो ये बनाना तो स्टार्ट करें। मैं सोच रहा हूँ घर के राइट लेफ्ट साइड बनाता हूँ, यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करते हैं। इतना बड़ा पैन बहुत होगा शायद। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और हाँ मैं बता देता हूँ फैंस बनाते कैसे हैं। इतना बड़ा तो होना चाहिए बहुत। बीच में फैंस गेट भी लगा देंगे फटाफट से। वो मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। नहीं चलो तो इतना काफ़ी होगा यहाँ पे। दो हाँ आ जाएंगे दो, यहाँ से शुरुआत करूँगा बीच वाले। चलो थोड़े बहुत बच जाएंगे तो कोई बात नहीं। एक फैंस गेट किया और एक फैंस गेट किया, तो हमें कैसे क्या करना है अभी। चलो शुरू करते हैं, मैं बता देता हूँ पहले फैंस गेट बनाते हैं। फैंस बनाने के लिए कुछ नहीं है आपको, देखो दो स्टिक बीच में रखनी है और चार प्लैंक्स, दो इस साइड दो लेफ्ट में दो राइट में रखनी है। तो ऐसे बन जाएगी आपके फेंसेस। उसके बाद में आपको फेंस गेट कैसे बनानी है, दो प्लैंक्स बीच में रखने हैं और चार स्टिक साइड में रखनी है, दो एक एक दो दो करके। तो ऐसे बन जाएंगी फेंस गेट। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सामान रख दूँगा। फेंस तो दीजा लकड़ी तो दीजा, उसको पका लेंगे खाना। जितनी चीज़ें फालतू फालतू चीज़ें तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे। जब जरूरत पड़ेगी तब लेके जाएंगे।
अच्छा ओके सर, हमने क्या किया था, यहाँ से थोड़ी सी वीट चाहिए, अब वीट क्यों चाहिए थी मैं बताता हूँ आपको। काउ नहीं, बड़ी काउ चाहिए, फटाफट फटाफट मिल जाओ। वंडरिंग ट्रेडर यहाँ क्या करता है भाई, ये बंदा पगलाया हुआ है, जैसे इसकी चीज़ें सारी महंगी रहती हैं, कुछ खास नहीं है इसके पास, कभी कुछ खास आता भी नहीं है इसके पास, कभी कदा कुछ आ जाता है। हाँ स्काई ब्लॉक में भले ये काम आता है, वो हम खेलेंगे नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा। पिक के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लगता है इनको मारने पड़ेंगे फिर वो आएंगे। आजा बच्चा, आजा आजा आजा, आजा। कोई तो दिख जाओ यार, मुर्गी मुर्गी के लिए तो भी सामान नहीं है अपने पास, मुर्गी का बाद में करेंगे, आज करेंगे शीप का और काउ का। लेकिन दिखे तो सही भाई, कहाँ हो, कहाँ मर गए? वो नेदर पोर्टल पे कोशिश करूँगा मैं कंप्लीट करने की फटाफट से, नेदर में शायद अगले एपिसोड में नेदर में जाऊंगा, नेदर में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेटिक कर सकेंगे, फिर बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, मैं कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा मैं बनानी उससे। लेकिन कुछ जानवर मिल जाए मुझे अभी तो उसकी ज़रूरत है, मुर्गियों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहे दूर दूर तक। अरे कहाँ मर गए सारे, अभी क्या सिर्फ मुर्गियाँ दोगी क्या, फिर मुर्गियों को मारना पड़ेगा फिर जो आएंगे लग रहा है। हाँ वैसे अगर आपके आसपास में अगर कोई मतलब काऊ या फिर शीप या फिर क्या बोलते हैं पिक्स अगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे हैं ना, तो शायद मुर्गियाँ ज़्यादा होगी या फिर ये कुछ भी ऐसे पैसिव मॉब्स ज़्यादा होंगे जिनके कारण ये रिस्पॉन्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, जैसे कि 10 या 6 मॉब का ऐसा कुछ होता है, वो देखो रिस्पॉन्ड हो गई ना काम इतने में, अगर वो जगह भरी हुई होती है ना तो फिर और चीज़ें स्पॉन नहीं हो पाती है। देखो जैसे कि वो पिक भी स्पॉन हो गया इन मुर्गियों को मारने के बाद। सबसे पहले हम लोग एक काऊ का जुगाड़ कर लेते हैं, तो क्या करना होता है आपको, बस हाथ में ना ये वीट पकड़नी पड़ती है, नीचे मत गिरना भाई साहब, जो नहीं चाह रहा था वही हो गया, चलो कोई बात नहीं इसका जुगाड़ करते हैं। आजा ऊपर आजा, आजा नहीं आ पा रहे, अब आजा। ओ भाई अभी भी जगह नहीं हुई, अब तो आ जाना चाहिए, आजा भाई आजा आजा। वेट पकड़ोगे तो जब तक आप वेट पकड़ोगे हाथ में ये आपका पीछा करते रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है इनको, यहाँ पे ले इसके अंदर जाना है गेट खोल के। अबे अब आ जाओ, वो देख आ जा 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 अंदर आ जा अंदर आ जा। इन्हों को ब्रीड भी कर सकते हैं, और मुझे शीप दिखे तो फिर मैं शीप लेके आ जाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ब्रीड कैसे कर सकते हैं। काश दो एक, चलो काम हो जाएगा, एक से भी अभी स्टार्ट तो कर पाएंगे, और भी बहुत कुछ करेंगे इनके साथ, सुख और भी शीप के साथ बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। आजा आजा आजा, एक और शीप ढूंढनी पड़ेगी हमें, एक और काम। वो भाई ये क्या था, इल्यूमिनाटी मेरे आंखों के सामने गायब हो गया। ओ भाई क्या क्या होता है इस गेम में, ओ ये नहीं करना था मुझे, और शीप आ जाओ। तो गैस मैं आपको शिप ढूंढ के वापस मिलता हूँ, मिल जाए उसके बाद वापस आता हूँ, ठीक है गैस। सो गैस मुझे शिप मिल चुकी है, 4 शिप मिल चुकी है मुझे, तो उनको बिल्ड करा देते हैं।
ये भीड़ के लिए तब तक हम बाहर चले जाते हैं, नहीं तो कहीं बाहर आ गए तो फिर लगना पड़ेगा अंदर लाना। आ जा एक्सपीरियंस पॉइंट, उनको भीड़ कराने से भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है ना। भीड़ कैसे करना है हम लोग को, बस ये होल्ड करना होता है जो भी इनको पसंद है। जैसे देखो इनके ऊपर क्लिक करके रखने से देखो फीड का ऑप्शन आता है, एक फीड इसे करना है और एक फीड इसे करना है। अब ये जाके ब्रीड करेंगे, ये देखो 2 से 4 हो गए, 3 से 4 हो गए। ठीक है गाइस, मैं जितने शो के आ जाता हूँ फिर एक चीज़ और बताता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। तो उसके बाद हमें क्या, हमें 2 वूल जरूरत पड़ेगी, 2 वूल की। अब 4 नहीं चाहिए भाई, 2 वूल लेना है आपको गाइस। और वूल को कुछ इस तरीके से रख देना है, इससे क्या ये कारपेट बनेंगे, वूल कारपेट। तो इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अरे खाना खा लो, अरे भूखा ही मरता है बंदा। ये कारपेट लेने का क्या करना है आपको, बस इनके ऊपर है ना, इनके ऊपर रख देने का कारपेट। ऐसे देखो मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे, इस पर भी एक रख देने का ऐसे। अब इससे क्या होगा कि मुझे ना गेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनके अंदर डायरेक्ट ऐसे ही जा पाऊँगा। अभी इनको भीड़ नहीं लगा सकते। एक चीज़ और बताता हूँ, देखना ये ब्लू फ्लावर है, इसको तोड़ा मैंने, इससे फिर मैंने बनाई ब्लू डाई। ठीक है, अब देखना, अब ये है ना, इसको डाई कर देंगे तो ये देखो गाइस ब्लू कलर की होगी। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी शीप ले इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे मैं एक रेड कलर की बना देता हूँ, एक ब्लू हो जाएगी, एक रेड हो जाएगी, और जैसे जैसे फिर शीप बढ़ते रहेंगे ना, मैं बड़ी करते रहूँगा, मतलब अलग अलग कलर करते रहूँगा, तो बहुत सारी कलर की हो जाएगी अपने पास शीप। तो वैसे देखो अभी हमारे पास ब्लू हो गई, ग्रे हो गई, रेड हो गई, अभी वाइट हमारे पास 2 है, 2 वाइट हमेशा रखने का, ताकि उनको ब्रीड करके हम लोग फिर वापस उनको डाई कर सकें। और काऊ बाद में इसलिए काम आएगी, इनसे हम लोग को लेदर मिलेगा और लेदर बाद में बहुत काम आने वाला है। मैं देखता हूँ इनमें से अगर वापस से ब्रीड करते हो, ये ऐसे ब्रीड टाइम पर हो गया इनका 2 2 और 2। अबे 2 नहीं, अबे 2 नहीं बे, ख़त्म हो गई। चलो 2 ब्लू हो गए, 2 रेड हो गए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वीट फार्म बना था, ताकि हम लोग वीट से ये सब चीज़ें कर सकें। तो ये बाद में ना ये वूल बहुत काम आएगी, अभी तो शुरू में आपको लग रहा होगा क्या है ये, बाद में बहुत काम आएगी। तो ये फ्यूचर में काम आना है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ें, थोड़ी वीट आउट कर लेते जो हो चुकी है। वैसे ज़्यादा टाइम रहा नहीं था गेम में, क्योंकि मुझे टाइम मिलता ही नहीं, मैं कुछ काम करता हूँ, मतलब जॉब भी होती है हमारे पास, बस टाइम पास के अभी लोग नहीं होते। चला जा 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 जा। तो हमारे पास कितने सीट हो गए, 57। हाँ अच्छा, अब कोशिश करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेदर में जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे सबसे पहले डायमंड ढूंढना पड़ेगा नीचे जाके, तो चलेंगे डायमंड ढूंढने। बोले तो हीरा ढूंढने जाएंगे हम लोग, हीरा। मुझे डायमंड से ज़्यादा हीरा बोलने में मस्त लगता है। तो गाइस देखते हैं, और मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, एक चीज और देखता हूँ, और कोई कलर दिखता है मुझे तो मैं भी डाई करने की कोशिश करूँगा। एक तो येलो दिख रहा है मुझे, सो गाइस और ढूंढते हैं और कोई कलर मिले। तो रेड मिल गया अपने को, ये ब्लू मिल गया, येलो मिल गया, वाइट तो है ही, और क्या कलर मिल सकता है आसपास, डेजर्ट नहीं है, नहीं तो ग्रीन कलर भी मिल जाता। चलो मैं एक बार रेसिपी में देखता हूँ,
कि क्या क्या कलर मिल सकते हैं हम लोग। कुछ नहीं, अगर आपको सारी रेसिपी देखनी है तो आपको सबसे पहले अपने इसमें तीन डॉट में क्लिक करना, और फिर क्राफ्टेबल है ना, इसको ऑफ कर देना, ऑल पे कर देना है। फिर इनमें नीचे जाके हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि डाई, यहाँ पे देखो सारी डाई दिख गई। वाइट तो हमें चाहिए नहीं, लाइट ग्रे हमारे पास है ही पहले से, ग्रे हमें मिलेगी वाइट और इसको मिला के, ब्लैक को मिला के। ब्लैक तो मुझे पता है, ब्राउन मिलेगा, कोकीन ये भी नहीं, ऑरेंज, रेड और येलो मिलाएंगे तो ऑरेंज मिल जाएगा। चलो एक चीज़ याद रखना, ग्रीन ग्रीन है नहीं अपने पास, लाइट ब्लू डाई नहीं बना सकते हैं, ब्लू डाई बना दी, पर्पल ब्लू और रेड है ना, ब्लू और रेड, और रेड और येलो, ब्लू रेड रेड येलो, पिंक भी बना सकते हैं हम, ब्लू रेड रेड येलो याद रखना, ब्लू रेड रेड येलो, मतलब रेड दो चीज होगी, एक तो ब्लू रेड रेड येलो एक और चीज होगी, और ब्लू चीज होगी। हमारा घर किधर चला गया भाई, अभी तो इधर ही था, अच्छा वो है गलत जगह, ग्रे शिप नहीं है हमारे पास, भाई घोड़ा मिला है लेकिन सैडल नहीं हमारे पास, सैड लाइफ। ब्लू रेड रेड येलो, दो रेड, बहुत सारी लाइट येलो और सी होगी ना, एक येलो और एक ब्लू आया, तो भी आया ब्लू, कहाँ देखी थी मैंने, नहीं कहीं देखी थी ना, ये थी ना ब्लू, हद मेरे घर के सामने, और मैं ढूंढ रहा हूँ यहीं कहीं बाहर। क्राफ्ट टेबल को वापस बंद कर देने का, दो रेड बना लेने की, एक येलो एक ब्लू, इससे बन जाएगी ऑरेंज, और इससे बन जाएगा पर्पल, बन जाएगी वाइट, वाइट रेड में मिलाने से पिंक हो जाती है ना, एक रेड और ब्लू होगा, रेड रेड वो ऑरेंज नहीं बनाने का, लाइट ग्रे होती है इससे, नहीं लाइट ग्रे नहीं इसमें होती, वो वाइट कलर से होता है, वाइट मिलेगा बोन मिल से। बोन्स पड़ी है मेरे पास, गन पाउडर नहीं चाहिए, बोन चाहिए भाई, बोन मिल से एक ही है और एक पिंक का है, हमारे बहुत सारी डाइस तैयार होती है, बोन मिल इधर रख देते हैं, पिंक डाई बनाई नहीं मैंने, या चलिए दो बना ली थी मैंने, तो चलिए लास्ट काम और कर देते हैं। भाई इधर नहीं जाना था, तो रेड है ना, एक रेड को हम लोग कर देंगे पर्पल, दो ब्लू होंगे शायद, दो ब्लू है, ब्लू को हम कर देंगे पिंक, बच्चा ऑरेंज, ऑरेंज इसको कर देंगे तीसरा वाला ऑरेंज। तो गाइस हमने लगभग लगभग कितने कलर हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः कलर हो चुके हैं हमारे पास, तीन छः, हाँ, और बाकी अगले एपिसोड में देखते हैं अगर और कुछ कर पाए तो, बाकी अगले एपिसोड में नेदर में जरूर जाएंगे। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब मारना, और चैनल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन बेल, तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। मैं क्यों फंबल कर रहा हूँ पता नहीं, लॉल।